हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी तो तबीयत की बैंड बजी हुई थी 3 दिन से, बट आज मैं फाइनली थोड़ी सी सही हूँ। अभी भी नाक से बात कर रही हूँ तो प्लीज गाइज उसको इग्नोर कर देना। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत कुछ इस वीडियो में होने वाला है। फर्स्ट तो मैं आप लोगों के साथ मेरी शावर रूटीन शेयर करूंगी, बिकॉज मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं अभी, क्योंकि अभी सेल चल रही है, फ्रीडम सेल, तो उसमें तो मैंने ढेर सारी शॉपिंग करी है। प्राइसेस इतने कम हो गए, मतलब अनबिलीवेबल प्राइसेस। तो यस, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, अ शावर रूटीन होगा, एंड ऑल्सो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है तो उसमें मैं रेडी कैसे होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लाइक बहुत ही मिनिमल मेकअप करती हूँ मैं दिन में निकलती हूँ, तो वो सारी चीजें होंगी। एंड ऑल्सो गाइज, मैं गई थी अमेजोन के इन्फ्लुएंसर इवेंट में। यस गाइज, मतलब उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल। मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था पहले यार, बट मैं गई तो वहां से ना मेरे को एक हैम्पर मिला था, बहुत बड़ा सा हैम्पर मिला था। उसके अंदर भी क्या क्या चीजें थी वो सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, सब कुछ कर देना, ठीक है? नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ अपने हेयर से। सो हेयर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है OGX का आर्गन ऑयल मोरक्को शैम्पू। गाइस, दिस शैम्पू इज सो गुड एंड इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी आती है ना, बहुत रिफ्रेशिंग, बालों को अच्छे से क्लीन करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लव ब्यूटी एंड प्लानेट का ये हेयर मास्क। ये फ्रिजी हेयर के लिए है, लाइक मेरे जो बाल है ना वो बहुत फ्रिजी है, बट इसको लगाने के बाद इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि मैंने फिर से केराटिन करवाया है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट तक रखना है, 2 मिनट के बाद आप वॉश कर लो, कोई 5 मिनट लगाने का ऐसा झमेला नहीं है। और अपने बालों के सिर्फ और सिर्फ एंड पे लगाना है, लाइक हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाना है, स्कैल्प में आपको नहीं लगाना है, ठीक है? और अभी मैं आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो अब आते हैं हम बॉडी केयर में। तो बॉडी केयर में ये जो गिफ्ट सेट आप देख रहे हो बाय किमीरिका, ये मेरे को मिला है हमारे अमेजोन इन्फ्लुएंसर इवेंट से। ये है उनका गार्डनिया नाइट ब्लूमिंग बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन। सो अभी मैं यूज कर रही हूँ उनका बॉडी वॉश। इसके साथ आपको जो लूफा है वो फ्री में मिलती है। इसका भी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है, एकदम परफेक्ट है समर के लिए, एकदम मूड रिफ्रेश हो जाता है। एंड झांक देख सकते हो गाइस, बहुत प्यारा झांक होता है, तो अच्छे से क्लीन भी हो जाओगे। नेक्स्ट आई एम गोना यूज द डर्माकोका 1% कोजिक एसिड डेली फेस वॉश। मैं नॉर्मली यही वाला फेस वॉश यूज करती हूँ जब भी मेरे फेस पे कोई भी एक्ने वगैरह नहीं होता है, फेस क्लीन रहता है एंड जस्ट मेरे थोड़े बहुत स्पॉट्स रहते हैं ना, तो मैं ये लगाती हूँ डेली बेसिस पे, तो वो स्पॉट्स काफी ज्यादा लाइट हो जाता है। वैसे भी फोमिंग है तो परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए। अब मैं अपने फेस के साथ अपना बॉडी, हेयर, सब कुछ वॉश कर रही हूँ। अब मैं आपको मेरा हेयर दिखा रही हूँ। गाइज, लुक एट माई हेयर, इट लुक सो गुड। तो आप ये प्रोडक्ट डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब मैं मेकअप कर रही हूँ बिकॉज मुझे जाना है अपने फ्रेंड के बर्थडे पे। सो आई एम यूजिंग लॉरियल पैरिस इनफॉलेबल फुल वेयर कंसीलर। मतलब ये तो मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा है, इतना लंबा नाम है। तो पहले आप लोगों को पता है कि मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ऑलवेज यूज करती थी, बट नाउ आई एम लविंग दिस कंसीलर। इसका जो फिनिशिंग है, इसका जो आपका कवरेज है ना, वो काफी ज्यादा बेटर है स्विस ब्यूटी से, आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं कर रही हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स लिए हैं। फर्स्ट आई एम गोना यूज दिस रेनिका काजल। ये वाला जो काजल है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऐसे रोटेटेबल है बट स्टिल आप इसको शार्प कर सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई काजल देखा है कि रोटेटेबल के साथ आपको ऐसे शार्पनर मिल रहा है। अदरवाइज क्या होता है ना, सिर्फ पेंसिल वाले में ही शार्पनर मिलता है, बट इसमें आपको रोटेटेबल के साथ भी शार्पनर मिल रहा है, विच इज एन अमेजिंग थिंग। इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस मेबेलिन का द फॉल्सेस लैश लिफ्ट। मैंने मेबेलिन का ऑलमोस्ट सारे मस्कारा ही यूज कर लिए हैं, ये वाला रहता था, तो इसलिए मैंने इस बार ये वाला परचेज किया। एंड सच बताओ, आप डिफरेंस खुद देखोगे, डिफरेंस इसका बहुत बहुत सही वाला दिखता है, लाइक अच्छा ये मस्कारा है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद गाइस, मैंने जो बाकी मेरा मेकअप था वो कंप्लीट किया, लाइक आईब्रोज वगैरह, ब्लश वगैरह मैंने लगा लिए थे, लिपस्टिक भी मैंने लगा लिया है यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने यहाँ पे लगाया फ्रेग्रेंस मिस्ट जो की है बाथ एंड बॉडी वर्क से, एंड एक्सेसरीज मैंने पहन लिया है, एंड दिस इज माई फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई होगी, सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो जरूर चेकआउट कर लेना। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।